नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। वीरवार की सुबह करीब 8:30 बजे करनाल के सामान्य अस्पताल के सामने और कुंजपुरा रोड पर स्थित दवा की दुकानों पर पुलिस की कड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई। इस कार्यवाही में पुलिस द्वारा जगदम्बा मेडिकल स्टोर, जेके मेडिकल हॉल, कुंजपुरा रोड पर स्थित भगवती मेडिकल हॉल, मित्तल मेडिकल हॉल तथा गौर मेडिकल स्टोर पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई। कार्यवाही के दौरान इन दुकानों पर मौजूद दुकान के मालिकों तथा कर्मचारियों को पकड़कर थाने में ले जाया गया। जैसे ही इसकी सूचना करनाल केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान राम प्रसाद तथा जिला प्रधान दिनेश अग्रवाल तक पहुंची, तो तुरंत ही सभी दुकानदारों ने उनके आह्वान पर अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। इस दौरान करीब 1 घंटे तक दवा की दुकानें भी बंद रही। बाद में पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद दुकानें तुरंत खोल दी। बताया जा रहा है कि इन दुकानों पर कार्यवाही का आधार यह था कि यह दुकानें समय से पहले खुल रही थी और इन पर अचानक से ही भीड़ हो जाती। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा दवा की दुकानों के लिए सुबह 9 से 12 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। इस निर्धारित समय से पहले खोलने और बंद करने वाले दवा विक्रेताओं पर कार्यवाही की जा रही है ताकि लॉकडाउन की उल्लंघना ना हो। समाचार एक्सप्रेस की टीम ने इस बारे में करनाल केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान राम प्रसाद तथा जिला प्रधान दिनेश अग्रवाल से खास बातचीत की। उनका तर्क यह था कि वह प्रशासन के साथ, लेकिन सुबह जल्दी दुकान खोलने का मकसद मात्र इतना है कि इस दौरान पूरी दुकान की साफ सफाई की जा सके, दुकान को सैनिटाइज भी किया जा सके। उन्होंने बताया कि 3 घंटे की दुकानदारी के दौरान जो समस्या सामने आ रही है वह यह है कि इन 3 घंटों में वह दवा को बेचे अथवा खरीदे, खरीदी गई दवाओं की रैक में लगाना भी आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि करनाल के सभी केमिस्ट प्रशासन के साथ जैसे प्रशासन के आदेश होंगे वैसा ही किया जाएगा, ना तो प्रशासन को कोई परेशानी होगी और ना ही आम जनता को। इसके लिए करनाल केमिस्ट एसोसिएशन प्रतिबद्ध है। वहीं इस बारे में जब पुलिस अधिकारी संजीव गोड से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सुबह जो दुकानें निर्धारित समय से पहले खुली हैं उन पर कार्यवाही की गई है, कुछ को थाने में भी ले जाया गया है, लेकिन बाद में चेतावनी देने के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि वह निर्धारित समय में अपनी दुकानें खोले अथवा बंद करें। आइए अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारी ने। करनाल से संवाददाता तरुण मदान की खास रिपोर्ट। मैं तरुण मदान समाचार एक्सप्रेस के लिए। इस समय हम मौजूद हैं करनाल की एक दुकान जिसका नाम जगदम्बा मेडिकल एजेंसीज है और जो इसके ओनर हैं वो करनाल केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल सुबह करनाल पुलिस द्वारा एक कार्रवाई की गई थी अस्पताल चौक पर और कुंजपुरा रोड पर। जो भी 9 बजे से पहले दुकानें खोली गई थी दवाइयों की, उनके कुछ वहाँ पर मौजूद जो दवा दुकान के मालिक थे और वहाँ मौजूद जो उनके पास वर्कर थे, उनको पुलिस द्वारा जिप्सी में बिठाकर थाने में ले जाया गया था, जिसके रोष स्वरूप कुछ देर के लिए करनाल में दवाइयों की दुकानें बंद कर दी गई थी। लेकिन फिलहाल कुछ ही मिनटों के बाद ये दुकानें बंद हो गई। अब मेरे साथ मौजूद हैं करनाल कमिश्नर के प्रधान श्री राम प्रसाद जी और मैं इसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या वाकया हुआ था सुबह। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि सुबह क्या कार्रवाई हुई। सवेरे मेरे पास कुछ रिटेलर के घर पे टेलीफोन गए कि जी ऐसे ऐसे पुलिस हमारे को जिप्सी में बिठा रही है तो हमारी हेल्प करें। मैं फटाफट घर से आया तो मैंने जो ड्यूटी पे जो SHO साहब थे, मेरे ख्याल में शायद संजीव गोड जी थे, मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप इनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दीजिए, जैसे आप चाहते हैं वैसे हो जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल रूटीन के अंदर इस टाइप से आए हैं कि दुकान ये खोलते हैं, दुकान में साफ़ सफाई करते हैं, पोछा लगता है, ये काउंटर्स होते हैं उसको सैनिटाइज भी करना होता है, जो सामान ये दोपहर के बाद परचेज करते हैं, जो पेटियों में सामान पड़ा है 10-10, 20-20 पेटियाँ पड़ी है, उनको रैक्स में भी माल को लगाना होता है, उस वजह से आए हुए हैं। अगर फिर भी आप नहीं चाहते तो कल से आज हम इनको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज देंगे भी कोई भी केमिस्ट, रिटेलर केमिस्ट 9 बजे से पहले नहीं आएगा। और हमारे केमिस्ट को ऐसा कोई लालच नहीं है, हमारी एसोसिएशन ऑलरेडी हमारे पास अप्रोच आती है रिटेलर केमिस्ट की कि भैया अगर आप चाहते हैं तो हम सारा दिन के लिए भी दुकानें बंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो प्रशासन का आदेश है 9 से 12 भी में कोई समस्या नहीं है। दिक्कत है उनको क्या है कि भी जो माल होलसेलर से रिटेलर के पास आता है उसको रैक्स में भी लगाना होता है, पेटी में से हाथ मार के तो मेडिसिन नहीं दी जा सकती ना, प्रैक्टिकल सिचुएशन को भी समझना चाहिए। मैंने SHO साहब को काफ़ी रिक्वेस्ट करी और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को दरकिनार करते उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और उन्होंने फटाफट जो भी केमिस्ट वहाँ पे थे, उनके एम्प्लाइज, मालिक
और 7-8 काउंटरों के एम्प्लाइजों को उन्होंने अपनी जिप्सियों में बिठाया और थाने लेके चले गए। सर कौन कौन से काउंटर ऐसे थे जिनके मालिकों को और एम्प्लॉइज को उठाया गया? देयर इज जगदम्बा मेडिकल हॉल अपोजिट सिविल हॉस्पिटल, जेके ट्रेडिंग कंपनी अपोजिट सिविल हॉस्पिटल, भारतवाज मेडिकल स्टोर अपोजिट सिविल हॉस्पिटल और भगवती मेडिकोज नियर क्या नाम है डॉक्टर कॉम्प्लेक्स, मित्तल मेडिकल हॉल नियर कॉम्प्लेक्स और गौरी मेडिकोज अपोजिट महाविद्यालय हॉस्पिटल और बाकी जगह से भी इन्होंने उठाया है जो हमें इन्फॉर्मेशन बाद में टेलीफोन पे आई है। तो हमने उस रोज स्वरूप इमीडिएटली दुकानों को शट डाउन किया और इन बिटवीन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर दिनेश अग्रवाल हैं उनका मेरे पास टेलीफोन आया कि भी मैं डी सी साहब से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी जब तक कोई आदेश आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। हमें थोड़ा सा दिक्कत इस बात की है कि भाई प्रशासन जो ऊपर से ऑर्डर देता है पुलिस डिपार्टमेंट उसको स्ट्रिक्टली सिस्टम से फॉलो नहीं करता, वो एक प्रैक्टिकल बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, तो वो भी थोड़ा सा उनको समझना चाहिए कि हमारे केमिस्ट कोई अफीम थोड़े ना बेचते हैं, पब्लिक सेवा ही कर रहे हैं, वो भी अपने बाल बच्चों को दाव पर लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रशासन को भी हमारे प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए, इतना हार्ड कॉर्नर नहीं होना चाहिए कि वो अपने दुकान के मालिकों को उठाए और जिप्सी में डाल ले। सर देखिए हमारे साथ श्री राम प्रसाद जी थे, इनका ये कहना है कि प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश इनको दिए गए हैं वे पालन कर रहे हैं, दवा विक्रेता भी अपनी जान को और अपने बच्चों से दूर रहकर समाज की सेवा में लगे हैं, वो कोई अफीम नहीं बेचते, वो कोई गलत काम नहीं करते जैसे पलट। लेकिन उनका सुबह आने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो प्रशासन ने 3 घंटे का समय दिया है वो ना तो दवा विक्रेताओं के लिए मुनासिब समय नहीं है, क्योंकि इस दौरान उन्होंने मार्केट से माल परचेज भी करना है, उनको रैक्स में भी लगाना है और सुबह आने के बाद दुकान की साफ़ सफाई उसको सैनिटाइज भी करना है, दुकान के बाहर गोल दायरे भी लगाने ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे। इसलिए पुलिस वालों से और प्रशासन अनुरोध है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कोई ऐसी विकल्प व्यवस्था की जाए ताकि किसी को परेशानी ना हो, ना मरीजों को ना दवा विक्रेताओं को। अब मेरे साथ मौजूद हैं करनाल केमिस्ट पूर्व प्रधान और वरिष्ठ समाजसेवी दिनेश अग्रवाल जी, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और वरिष्ठ समाजसेवी दिनेश अग्रवाल जी, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। अग्रवाल जी सबसे सर सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है। सर सुबह जो घटना है उसके बारे में आपके कहना। मैं तो घर पे था, मैं तो हफ्ते में 2 दिन दुकान खोलता हूँ और जो है उसके मैं तो सिर्फ 2 दिन खोलता हूँ, मैं घर पे था तो राम प्रसाद जी का टेलीफोन आया और कोई एक दो लोगों का और टेलीफोन आया कि दिनेश जी स्ट्रेस से हो गया है, तो मैंने कहा चलो मैं जिस हिसाब से बात करने की कोशिश करता हूँ, इन द मीन टाइम अपनी दुकानें आप लोग बंद करिए और जब तक हमारे बंदे बाहर नहीं आ जाएंगे हम दुकानें नहीं खोलेंगे बिल्कुल भी। तो दुकानें तो इमीजिएट बंद होनी शुरू हो गई। इन द मीन टाइम जिस हिसाब का पहली बार उन्होंने उठा लिया, धन्यवाद करता हूँ एक तो उन्होंने पहली बार में टेलीफोन उठा लिया साथ में, तो मैंने जिस हिसाब से रिक्वेस्ट करी कि इस तरह से अगर लोगों को तंग करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। उन्होंने ये कहा कि मैं ये फील कर रहे थे, उनका कहना ये था जिस हिसाब का कि पब्लिक नहीं मान रही है, लोगों में रश हो रहा है, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं और टाइम भी नहीं मान रहे हैं, तो मैंने आदेश दिया है कि भी चाहे दुकानें सील करनी पड़े और चाहे बंदे उठाने पड़े जो मर्जी करो, पर टाइम का मैनेजमेंट और डिस्टेंस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए मैंने आदेश दिए थे। मैंने फिर भी मैं देखता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ इनको इमीडिएट टेलीफोन करके इनको छुड़वाता हूँ, ये इतना उन्होंने कहा मेरे से। पर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे राम प्रसाद जी ने बताया कि हमारे केमिस्ट भी सेवा का काम ही कर रहे हैं और ये मैंने डी साहब को भी कहा कि हमारे केमिस्ट भी सेवा का काम ही कर रहे हैं, कोई लालच नहीं है इस टाइम। और डी साहब का कहना यह था कि दिनेश जी मैं तो ये चाहता हूँ कि इस टाइम आम पब्लिक को अटेंड ना करके सिर्फ सीरियस पेशेंट ही या बहुत जरूरी जिनको दवाइयाँ वही निकले। अब उसमें हमारा केमिस्ट कैसे जज कर सकता है कि भी कौन सा पेशेंट को वाकई जरूरत है या नहीं है, हम किसी को मना तो कर नहीं सकते, या तो ये पुलिस देखे भी कौन कौन से वहाँ तक आएंगे केमिस्ट की दुकान तक जो आएगा, हम तो केमिस्ट को देना पड़ेगा, हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते इसमें किसको देना है या किसको नहीं देना है। 2-3 डिमांड है मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, आपके अखबार के उसके माध्यम से मैं एक्सप्रेस के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो केमिस्ट की दुकान पे जो उन्होंने कहा था भी एक मालिक एक लड़का हो, खैर बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ में सख्त नहीं है, मैं चाहूँगा कि 2 या 3 लड़के के बिना काम नहीं चलता है कि केमिस्ट की दुकान पे, स्पेशली जो दुकानें महाविद्यालय के सामने और सिविल हॉस्पिटल के सामने, यहाँ पे 3-4 लड़कों की जरूरत होती है, बिना उसके काम नहीं चल सकता। एक काम तो ये साथ में मैं चाहूँगा कि लड़कों को अलाउ करें, उसमें दिक्कत ना पड़े, रस्तों में ना रोकें, उसमें पुलिस उनको एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको ना रोके उसकी। और दूसरा इसके साथ साथ जो है जितने हमारे मेडिकल लाइन से रिलेटेड हैं जैसे होलसेलर्स जो काम करते हैं उनके लिए डी साहब ने कहा भी ठीक है 2 बजे तक खोल लें, केमिस्ट क्या करे, केमिस्ट के लिए मेरी रिक्वेस्ट यह है कि 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में उनको दुकान खोलने की भी, दुकान बंद करके अंदर सामान लगाना भी होता है, या तो बंद करके लगाएं या कस्टमर ने अटेंड करें, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि दुकान खुली हो और कस्टमर अटेंड ना हो, तो मेरी सुजेशन ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करे और केमिस्ट भाइयों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि भी अपनी दुकानों को
12 बजे बंद कर दें या एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कहे, भी सुबह 8 बजे खोल करके शटर अंदर से बंद कर ले और अपना सामान लगा ले, अंदर सारा काम कर ले, ताकि वो जो टाइम केमिस्ट मांग रहे हैं ना, जिसके कारण से सुबह केमिस्ट जल्दी आता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करे कि दुकान अपनी खोल करके शटर बंद कर लें और कस्टमर्स को 9 बजे टेंच करना शुरू कर दें। एक तो डिमांड साथ में मेरी ये रहेगी, साथ में तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। कितनी देर के लिए शटडाउन रही थी मार्केट? जो है तकरीबन 20-25 मिनट तो रही है बंद, 20-25 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा, 9 से 1 घंटा, 10 बजे छोड़े वो, 9 से 10 तकरीबन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आप सब प्रशासन से और समाज से और केमिस्ट भाइयों से क्या पूछ रहे हैं? मैं तो समाज से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये फील कर रहा हूं कि जिसको अगर एस्पिरिन की गोली भी चाहिए होती है और फट भागा चला आता है, तो मैं पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वाकई जरूरत का सामान केमिस्ट जो दवाइयाँ हैं आपकी ना, घर से आप तभी निकले जो वाकई बहुत जरूरत हो दवाई की, अदरवाइज ये नहीं कि दवाई के बहाने से, कई लोग ऐसे भी आते हैं कि दवाई लेने जा रहा हूँ जी मैं, वो भी काम ना करें। गवर्नमेंट जो है हमारी बेनिफिट की ही बात कर रही है, जब अगर ये कोरोना बीमारी अगर जैसे जाएगी तो सबकी कोऑपरेशन से ही जाएगी। मैं हर एक लोगों से ये अपील करूंगा कि घर से बाहर तभी निकले जो दवाई की बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत हो, तभी दवाई की केमिस्ट की दुकान पर पहुँचे, केमिस्ट की दुकान पर रश ना करें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और जो है सैनिटाइज अपने आप को करते रहें। मैं परमात्मा से भी ये कहता हूँ कि इस बीमारी को जल्द से जल्दी हमारे देश में भगाए और हम सबसे एक दूसरे के साथ मिलकर कॉपरेट करें। धन्यवाद। देखिए सर, ये हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी थे, इन्होंने भी ये कहा है कि इनको प्रशासन ने से अपील है कि दवा विक्रेताओं को या तो सुबह या फिर 12 बजे के बाद 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाए, ताकि वो उनके पास जो सामान आता है उसको रैक में लगा कर रखा जाए, क्योंकि पेटियों में से उठाकर एकदम से सामान नहीं दिया जा सकता, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वैरायटियां आती हैं। और उन्होंने इसके अलावा समाज से भी अपील की है कि अगर अत्यधिक आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर निकले, बाकी व्यापारी भाइयों से, और उनका समाज के नाम एक और संदेश है, वो ये दोबारा कहना चाहेंगे। सर बताइए। मैं इसके अलावा डी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं ये फील करता हूँ कि दवाइयाँ के जो है शॉर्टेज आने वाली है, उसका कारण ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर और जो C&F हरियाणा में है वो तो सामान देने को तैयार है। हर एक डीसी साहब ने, जहाँ भी डिप्टी कमिश्नर ने, हर एक जगह बोल दिया भाई आप लोग खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ट्रांसपोर्टर्स नहीं खुल रहे हैं। पूरे हरियाणा में इस टाइम अतुल गुड्स ट्रांसपोर्ट है और करनाल की एक खुजदिल ट्रांसपोर्ट है जो कि थोड़ा थोड़ा सा माल दे रही है, बाकी कोई ट्रांसपोर्टर माल लेने को राजी नहीं है, उनको परमिशन नहीं मिल रही है। जब तक कि परमिशन नहीं मिलेगी, और जब तक मैं सुना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिक्कत नहीं है मेडिसिन के लिए, उसके बावजूद भी ट्रांसपोर्ट्स नहीं चल रही हैं। और मैं आपको बताऊँ कि पहले क्या होता था, ट्रांसपोर्टर्स के आदमी आकर के हमारे यहाँ सामान डिलीवर कर देते थे, और अब क्या होना पड़ता है, जैसे मेरे पास एक कंपनी की C&F है तो हमको सामान खुद देने जाना पड़ता है, वो लोग लिफ्ट लेने के लिए इनके लेबर भी नहीं है। कारण क्या है कि लेबर के जाने के कारण से भी हमें आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आने वाली है, लेबर ना होने के कारण से भी दिक्कत है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि बाकी ट्रांसपोर्टर्स को भी अलाउ करें, उनको लाइसेंस दें या उनको मैसेज दें कि वो भी अपनी ट्रांसपोर्ट्स खोलें, ट्रांसपोर्ट्स चलें साथ में। ऐसा इन्होंने हमें ये बताया कि आने वाला समय विकट हो सकता है, जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति बनी है, ट्रांसपोर्टेशन अभी तक बहाल नहीं हो पाई है, सिर्फ करनाल में एक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी को परमिशन दी गई है। इनका अनुरोध प्रशासन से है कि बाकी ट्रांसपोर्टरों को भी कहा जाए या तो उन्हें लाइसेंस जारी किया जाए, परमिशन जारी की जाए, ताकि सामान को इधर से उधर लेके आने में जाने में कोई परेशानी ना हो, नहीं अन्यथा आने वाले समय में इन दवाइयों की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। ऐसा दौर ना आए और मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए प्रशासन से इन्होंने अपील भी की है, विनम्र निवेदन भी किया है कि वो इस बारे में कोई ना कोई कड़ा संज्ञान लें, ताकि इन समस्या से निजात पाया जा सके, क्योंकि कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए सब एकजुट हैं। इनका ये भी कहना है कि इस आपदा की स्थिति में ये पूरा सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे, जैसा सरकार कहेगी वैसा, लेकिन अगर नाजायज तौर पे किसी केमिस्ट को तंग किया जाएगा तो ये इनके बर्दाश्त से बाहर होगा। इसके लिए इन्होंने डीसी साहब से बात भी कर चुके हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये कोई कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर ना हो जाए। मैं तरुण उदान, समाचार एक्सप्रेस के लिए, सीनियर कैमरामैन सनी चौधरी के साथ। अस्पताल के सामने कार्रवाई की गई आपके द्वारा, नहीं अभी ऐसा है, सिविल हॉस्पिटल के सामने जो कुछ मेडिकल शॉप्स थी, प्रशासन के द्वारा अभी उनके लिए सिर्फ 9 से 12 के लिए टाइम निर्धारित किया गया है खोलने के लिए, और उसके बाद होम डिलीवरी के लिए उनको कहा गया है कि भी उसके बाद वो होम डिलीवरी करें, ताकि किसी भी आम नागरिक को, सामान्य नागरिक को दवाइयों की दिक्कत ना होने पाए। लेकिन आज देखने में पाया गया कि भी पहले भी उनको एक दो बार वार्निंग दे दी गई है, दोपहर को भी वो लेट तक खुली रखते हैं पूरी दुकान को, और सुबह भी अर्ली इन द मॉर्निंग खोल देते थे अपनी दुकानों को। जो आज उनको चेक किया गया तो पाया कि उन्होंने सभी ने अपनी दुकानों को 8 बजे खोल दिया था, तो इसलिए उनको एक बार वार्निंग दी गई है कि भी वो आइंदा ऐसा काम ना करें। अगर ऐसा कार्य करेंगे, प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करेंगे, जो प्रशासन द्वारा समय निर्धारित किया जाता है, चाहे वो कोई भी समय हो, अगर प्रशासन के नियमों की अनदेखी करेंगे तो उनके
खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर देखिए किस तरह से संजीव सर ने हमें बताया कि जो सुबह दवाइयों की दुकान पर कार्रवाई की गई थी वो प्रशासन के आदेशों के अनुसार की गई थी, उनको पहले भी चेतावनी दी गई थी। भविष्य में भी जो लॉकडाउन की उल्लंघना करेगा या प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों की उल्लंघना करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगा आपको किस तरह मैं तरुण मदान सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।